हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखो मैं कितना क्यूट लग रहा है। ये लुक मैंने पूरा पिंक दिया हुआ है क्योंकि आज बहुत स्पेशल है, कहीं जाने वाला है। और दिस लुक इज फ्रॉम स्टेल्यू कलेक्शन एंड देन दिस इज माय फुल लुक। और आप लोग बताना मैं कैसे लग रहा है। तो आज हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुका है और हम लोग लोकेशन में पहुंच गया। और पर मैं जहाँ जा रहा था वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था क्योंकि मेरे को टाइमिंग का नहीं पता था। तो बट ये स्टिल हम लोग ढूंढ रहे गए और लोकेशन, तो हम लोग मिल गया है फाइनली एक लोकेशन। तो यस, देयर वी गो। तो मैं यहाँ पे आया है कोरियन फूड ट्राई करने के लिए। मैं इतना टाइम से 10 साल हो गया दिल्ली में, लेकिन मेरे कोरियन फूड ट्राई नहीं किया था। तो फाइनली आज मैं यहाँ पे आया है कोरियन फूड ट्राई करने के लिए। तो ये है मेरा लुक एंड ये लोकेशन है, यहाँ इस तरह सेटअप था। तो हम लोग पहुँच चुका है और हम लोग खाने के लिए बैठ गया। ये है सिस्टर मेरे साथ आया है। और ये देखो हम लोग को स्टार्टअप, ये किमची, ये सिस्टर को खाना था तो ये आ गया। एंड देन दिस इज लाइक बॉयल समथिंग, ये पोटैटो एंड देन कुछ ऐसे था। और ये है क्यूकम्बर सैलेड, तो ये स्टार्टअप में वो लोग ने दिया है। ये देखो, तो ये हम लोग ट्राई करने वाला है बर्बिक्यू। तो यहाँ पे गरम वो लोग ने हीट कर दिया है और हम लोग को पहली बार था तो आता नहीं। तो वो लोग ने, स्टाफ मेंबर ने थोड़ा सा हेल्प किया कैसे करना है। एंड देन ये देखो हम लोग क्या खाने वाले। चीज पॉर्क वन, और हम लोग आज पॉर्क खाने वाला है विद नूडल्स। और ऐसे कुछ चीज खाने वाला है जो मैंने कभी नहीं खाया आज तक लाइफ में, पहली बार। तो आप लोग केस करो मैं क्या खाने वाला है। मैं अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, नर्वस भी था, मैं खाऊं ना खाऊं। लेकिन मेरा बहुत टाइम से, 2-3 साल हो चुका था मैंने खाने के लिए सोच के रखा हुआ। तो फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई दैट। आप लोगों को मैं बताएगा लास्ट वीडियो में मैं ऐसे क्या चीज़ खा रहा है। और यहाँ पे स्टाफ ने बहुत प्यार से बताया इसको कैसे करना है, तो मैं खुद ट्राई कर रहा था और देख के बहुत मज़ा आ रहा था करने में भी और खाने में। सोचो कितना एक्साइटेड, मुंह में सारा पानी आ चुका था। हम लोग से रुका नहीं जा रहा था। और यही किमची सिस्टर को खाना था और ये मैं स्टार्ट किया मैंने नूडल्स से। एंड इट वॉज लाइक वाओ। और मैंने दूसरी बार मैंने नूडल्स से स्टार्ट किया अगेन क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट भी बहुत टेस्टी था, तो मैंने दोबारा ले लिया। एंड देन उसके बाद जो मैं खाने वाला है ये मैं अंदर ही अंदर बहुत डर भी लग रहा है, नर्वस हो रहा है क्योंकि जब हम लोग कुछ नया फूड का लाइक सी फूड खाते हैं तो रिएक्शन होता है इट इज़। तो मेरे को डर भी लग रहा था बट मैंने फाइनली खा लिया। एंड इट इज़ लाइक मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना टेस्टी होगा, ये बहुत टेस्टी था। और गाइस मैंने ये खाया है ऑक्टोपस, तो मैंने ऑक्टोपस का हम लोग मुकबांग देखते रहते, तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं गोवा विजिट किया था तो मेरे को खाने के लिए मौका नहीं मिला था, तो तब से मेरा मन में यही था कि मेरे को खाना है खाना है। तो मैंने आज खा लिया। नीट बस सीरियसली बहुत टेस्टी था। एंड यहाँ पे जो हम लोग रोस्ट करके खा रहे हैं ये है पॉर्क मीट। तो हम लोग ने ये पॉर्क मीट भी ट्राई किया एंड लाइक विच इज़ वेरी गुड, वेरी टेस्टी। क्योंकि हम लोग घर में तो मैंने कभी ऐसे खाया नहीं क्योंकि घर भी जो होता है थोड़ा सा अलग ही होता है। तो ये वाला बहुत टेस्टी था। एंड देन मैं तो खा के पागल ही हो गया, मुझे ऐसे लग रहा था मैं खा दी। तो मैंने यहाँ पे ये सारा एक एक करके टेस्ट किया एंड देन इट वाज लाइक बहुत ही टेस्टी था। मैंने यहाँ पे थोड़ा कोरियन स्टाइल में खाया जो कि मैं खुद भी कोरियन जैसा दिख रहा है, मेरे खुद को ऐसे फील हो रहा है। आप लोग बताना कैसे लग रहा था। और मैंने यहाँ पे गेटअप भी इसलिए ऐसे लगाया था कि मैं थोड़ा सा क्यूट दिखूं खाने के टाइम। और मैंने यहाँ पे जो इसमें गार्लिक था, गार्लिक ऐसे छिला हुआ था तो वो, एंड देन पॉर्क मीट और थोड़ा सा राइस सारा मिक्स करके मैंने खाया और बहुत टेस्टी था। और राइस बहुत अच्छा था, जैसे हम लोग का नागालो का भी एक स्टिकी राइस होता है तो वो बहुत टेस्टी होता है नॉर्मल राइस से ज्यादा, तो सेम ही था तो राइस भी अच्छा था। एंड देन जो मैं खा रहा था ये ऑक्टोपस, आप बिलीव नहीं कर सकता, मुझे लगा कुछ अलग सा, थोड़ा स्लिपरी कुछ ऐसे होगा, लेकिन खाने के टाइम थोड़ा क्रंची, मतलब अच्छा था बहुत। ये मतलब जो हम लोग चिकन खाते हैं पॉर्क खाते थोड़ा सिमिलर ऐसे ही था, बट टेस्ट थोड़ा अलग है, बट लाइक टेस्टी था। आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे चॉपस्टिक से खाया है, जो मैं चॉपस्टिक से खाना बिल्कुल भी नहीं आता है। पर आज तो हम लोग कोरियन बन चुका है तो हम लोग ने चॉपस्टिक से ही खाया कम्प्लीट फूड, एंड विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि मेरे से होता नहीं है। तो वो लोग ने स्पून दिया था फॉर द सूप एंड ऑल, तो हम लोग ने इसके साथ खाया। और बीच में हम लोग का लाइट चला गया था और डर भी गया था, बट थोड़ा सेकेंड के लिए था। और हम लोग ने ऐसे फूड को एंजॉय किया, तो शायद हम लोग ये खाना सारा खत्म करेगा होगा। वैसे भी मैंने सोच के आया था कि मैं बहुत सारा खाना खाएगा, पर ये
इससे फुल हो गया है वैसे अभी। वैसे मैंने घर में ये सोच के आया था कि मैं खाना बहुत ज्यादा खाएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने खाया नहीं वो सारा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अभी फुल होते जा रहा है क्योंकि ये हम लोग दो जने हैं और दो जने के लिए बहुत ज्यादा था। मैं बाहर का स्ट्रीट फूड और बाहर का ज्यादा खाते नहीं है, घर का खाना ज्यादा प्रिफर करते है, आदत नहीं है। इसलिए अभी आप लोग देखो मैं कितना खाती, वैसे तो मैं बहुत फूडी है बट मजबूरी के वजह से मैं ज़्यादा खा नहीं पाते, बट लेट्स सी। और मैं सोच रहा है कि हम लोग वीक में या तो इन्हें मान एक फूड व्लॉग डालूं, तो आप लोग बताना कैसा रहेगा। वैसे हम लोग ये वीडियो में देखेगा कि अगर ये वीडियो में हम लोग को बहुत सारा व्यूज और प्यार मिलते हैं तो हम लोग उसके हिसाब से बनाएगा। वैसे हम लोग सोच ही रहा है स्ट्रीट फूड या तो कोई रेस्टोरेंट का एक्सप्लोर करूँ, तो या लेट्स सी। एंड देन यहाँ पे मैंने बहुत सारा खाना खाया है, वैसे आज के लिए तो शायद इतना ही होना चाहिए, पर मैं खाते जा रहा है। और यहाँ पे मैंने दूसरा का खाना भी मैंने छीन के खा रहा था, ये वेज है लेकिन मुझे इसका कुछ खास नहीं लगा था क्योंकि इसमें कुछ सूप नहीं था, इसमें सिर्फ राइस था, ऊपर से डोबोफ में कुछ सलाद्स ये वेजिटेबल्स था, तो इतना नॉन वेज को कंपेयर करूँ तो इतना खास नहीं लगा, तो मैंने इसको साइड पर रख दिया और मैंने अपना खाना फिर से खाना स्टार्ट कर लिया। ये नूडल्स बहुत टेस्टी था। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें बहुत सारा नोटिस से सब्सक्राइबर ज्वाइन किया है, तो आप सबको वेलकम। एंड देन आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कर देना, एंड देन खूब सारा प्यार देना। और मेरा पेट तो वैसे बहुत फुल हो चुका है फिर भी मैं खाती जा रहा है। सिस्टर ने तो उसका नूडल कम्प्लीट कर चुका है, सबका खाना हो चुका है, मेरा अकेला बचा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे देखो वेजिटेबल्स को साइड पे रखे, ऑक्टोपस को चुन चुन के मैं सारा के सारा खा गया। उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ था वो भी मैंने इसको भी नहीं छोड़ा, तो मैं इसको भी खाने के लिए दे रहा। सिस्टर कह रहा दीदी बस इतना ही करो, पर मैं मान नहीं रहा था और मैं खाने वाला था और फिर ये मेरा हाथ से फिसल गया, गिर भी गया, फिर भी मैंने सोया सॉस में डुबा डुबा के मैंने इसको भी खा दिया। एंड देन आज का डिनर तो बहुत मज़ेदार था। और हम लोग नेक्स्ट फूड कौन सा ट्राई करना चाहिए आप लोग बताना, आप लोग कौन सा फूड मैं खाऊं, आप लोग भी सजेस्ट करो कोई ऐसे जो जिस मैंने नहीं खाया है, जैपनीज हो गया। वैसे मैंने जैपनीज राइस तो बहुत जैपनीज तो खाया है लेकिन कोरियन फर्स्ट टाइम था, बट बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही क्योंकि देखो हम लोग ने ये सारा खाली कर दिया है, क्योंकि अब एक और एक मिनट बैठा तो मेरे से हो नहीं पाएगा, मैं यही सो जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग घर के लिए निकलूं। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ये जितना भी मैंने इतना सारा किलो का मेकअप लिया हुआ है इसको जाके उतार देते हैं और मैं सो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।